तो आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ हॉट फूड बेनमेरी। तो मेन रीजन होता है हमारा ये लेने का कि हम लोग जो है एक ही बारी में काफी लोगों को एक साथ फूड सर्व कर सकते हैं। कि हमने 6 आइटम रख दी फूड के अंदर, 3 अपनी सब्जियां होगी, 2 ठंडे की होगी, 1 अपना रायता हो गया। तो इसमें आपकी गैस भी बचती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और मैन पावर भी बचती है। क्यों, एक ही बारी में आपने फूड बना के रख दिया और कस्टमर अपने आप आएगा, खुद ही ले लेगा, तो मैन पावर यहाँ पे भी बस। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन, तो स्वागत है आप सभी का आखिरी 3 डिशेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ हॉट फूड बेनमेरी। बेसिकली ये कहाँ यूज होती है, जैसे अगर आप अनलिमिटेड फूड बिजनेस करना चाहते हैं या आपकी एक कैंटीन है जहाँ पे आप कस्टमर चाहता है कि मैं अपना फूड खुद सेल्फ सर्व करूँ, या आप पीछे से एक लड़का रखे वो सर्व करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और फ्रंट में कस्टमर लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो जानेंगे इस बेनमेरी के क्या रहने वाले फीचर्स और कहाँ पे ये यूज होती है, क्या लीटर का कैपेसिटी का कंटेनर मिलने वाला है, क्या इसके बेसिक फीचर हैं, क्या इसके अंदर लगा हुआ मटेरियल वगैरह, तो सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप फूड बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हमें फूड बेनमेरी या हॉट बेनमेरी या हॉट केस वगैरह ये किस लिए लेने चाहिए। तो मेन रीजन होता है हमारा ये लेने का कि हम लोग जो है एक ही बारी में काफी लोगों को एक साथ फूड सर्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गेस्ट, आपको पता है कि 100% एक ही बारी में आने या 50% एक ही बारी में आने या 20 लोग या 25 लोग, तो उस हिसाब से ये डेवलप हो जाती है। पता है आपको कि एक ही बारी में रश आना, आपको उसको रश को एक ही दम से कंप्लीट करना है, तो बार बार आला कार्ट में बार बार लड़का नहीं बनाता रहेगा, हाफ दाल बना हाफ राजमा बना, ऐसे नहीं करेगा। बजाय इसके कि हम अपने सेपरेट सेपरेट कंटेनर के अंदर, जैसे कि हम लोग बुफे के अंदर रखते हैं कि हमने 6 आइटम रख दी फूड के अंदर, 3 अपनी सब्जियां होगी, 2 ठंडे की होगी, 1 अपना रायता हो गया, तो उस टाइप का हम इसके अंदर कर सकते हैं। और जैसे आज की डेट में जानते हैं कि आपका अनलिमिटेड फूड बिजनेस का काफ़ी ट्रेंड है, तो उसके लिए तो ये बेटर है ही है। और जैसे अगर आपकी कैंटीन वगैरह रन करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि 2 से 2.5 के बीच में आपका जो वर्किंग लोग हैं उन्होंने आना और खाना खा के अपना चले जाना है, तो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होता है। और ऑफिस वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप कई मल्टी MNC वगैरह में काम करते होंगे तो यहाँ पे आपने वहाँ पे देखा ही होगा, या आप आज की डेट में काफ़ी जगह पे देख रहे होंगे जहाँ पे अनलिमिटेड फूड वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती है इस टाइप की बेनमेरी। तो इसमें आपकी गैस भी बचती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और मैन पावर भी बचती है। क्यों, एक ही बारी में आपने फूड बना के रख दिया और कस्टमर अपने आप आएगा, खुद ही ले लेगा, तो मैन पावर यहाँ पे भी बचती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ सर्व की जगह आप खुद सर्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इस बेनमेरी के अंदर आप क्या क्या आपको मिलने वाला है। फर्स्टली जो आप देख रहे हैं ये क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली ट्रेस लाइट है। ट्रेस लाइट का काम क्या है, यहाँ पे हम अपनी प्लेट वगैरह जो थाली लेके आते हैं, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप मान लीजिए ये थाली है, तो थाली के अंदर मेरे को कुछ भी सामान लेना है, अब ये मैं हटा दूंगा। जब मेरा बुफे स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ये सारे जो पैंस के जो ढक्कन है वो हटा दूंगा और नीचे दी हुए स्टोरेज जगह पे मैं इसको रख दूंगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नीचे स्टोरेज है तो मैं यहाँ पे इसको नीचे रख दूंगा अपना। यहाँ पे मैं अपनी थाली वगैरह भी रख सकता हूँ एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने 50 थाली पहले ऊपर रख दी, उसके बाद मैं कम लगाना चाहूँ तो वो मैं अपना यहाँ पे अलग से जब भी रिफिल करना तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे आया तो यहाँ पे अपना मेरे को सब्जी वगैरह लेनी है, अपने यहाँ पे हमने जैसे राजमा रख ली, दाल रख ली या सूखी सब्जी जो भी रखनी है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो फूड के कंटेनर है ये हॉट रहने वाले हैं आपके। एक में आपके चपाती आ जाएगी, एक में राइस आ जाएगा, 2 में आपकी एक आपकी सूखी सब्जी और एक गिली जो भी दाल वगैरह या मिक्सर जो भी रखना वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लाइन में जो मेरे को लेना होगा, अगर मेरे को खाली दाल ही नहीं तो मैं दाल ही ले लूँगा, वो मेरे ऊपर है जो भी मेरे को जैसे मर्जी लेना। अब यहाँ पे ये जो 2 पैन है ये बेसिकली एक मीठे के लिए हो जाएगा, जो ठंडा अगर मीठा वगैरह कुछ रखना चाहते हैं जैसे रसमलाई वगैरह होगी या एक रायता जैसे अपना रहता है ठंडे के अंदर, तो वो रहने वाला है। तो इसके अंदर हमारे जो 2 पैन है ये जो है ठंडे के अंदर रहने वाले, आप देखेंगे दोनों पैन के बीच में यहाँ पे जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। ये बेसिकली किसने दे रखा है, इन पैन के बीच में देखोगे आपको गैप कम दिखेगा, मगर ये जो 2 पैन है इनके बीच में आप देखोगे जब यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो ज़्यादा है, क्योंकि इंस्टॉलेशन हमने कर रखी है ताकि यहाँ की जो हीट है वो यहाँ पे ट्रांसफर ना हो, यहाँ पे जब हम आइस रख रहे हैं तो हमारी आइस जल्दी मेल्ट ना हो। तो ये बेसिकली ये रीज़न है इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग कंप्रेशन लगा दें तो कॉस्टिंग काफ़ी हाई भी चली जाती और कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि फूड बिजनेस के अंदर जो अनलिमिटेड होता है वहाँ पे एक ही बारी में कस्टमर आता, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर सारा कुछ निपट जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी उस टाइप का। तो अगर ज़रूरत होती तो हम लोग इसके अंदर कंप्रेशर भी दे सकते थे। अब सेकेंडरी मैं दिखाता हूँ ऊपर, जैसे नाइट आपका लाइटिंग लगी हुई है इसके अंदर, आप देखेंगे ऊपर ग्लास के,
तो यहाँ पे नीचे जो है ये लाइट दी हुई है। लाइट का मेन काम क्या है, हमारा जो फूड है उसको अच्छी तरीके से दिखाना और अच्छा एक प्रेजेंटेबल मोड पे रखना। तो इस वजह से इसके ऊपर जो है यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो ये लाइट को हम ऑन कर देंगे। अभी तो यहाँ पे काफी रोशनी है तो यहाँ पे कोई फायदा भी नहीं ऑन करने का। तो जैसे रोशनी कम होती है तो यहाँ पे जो फूड है वो हमारा काफी अच्छा दिखता है इसकी लाइट की वजह से। तो जितना भी हमारा फूड है वो काफी प्रेजेंटेबल लगेगा। और नीचे आपको मैंने जैसे दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे अंडर स्टोरेज आ जाएगी। अंडर स्टोरेज के अंदर जो भी आपको सामान रखना है वो आप रख सकते हैं। अब आती ड्रेन की बात। अब जैसे हमारा पानी, इसको हम लोग फूड को गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें पानी डालना पड़ता है जो कि हीटर की मदद से हीट होता है और इसकी वजह से हमारा जो फूड है वो गर्म रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो नीचे जो गेट वॉल सेपरेट सेपरेट लगे हुए हैं, एक आपका लगा हुआ है आइस कोल्ड के लिए और एक आपका हॉट के लिए लगा हुआ है। तो दोनों का पानी भरना है जब भी, तो नीचे एक अपना पैन लगा देंगे और उसके अंदर पानी ड्रेन आउट कर देंगे जब हमें क्लीन करना है। राइट को जब हम भी क्लीन करके जा रहे हैं तो वो क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये लाइट का स्विच हो जाएगा और ये आपका इंडिकेटर दोनों दे रखे हैं। जैसे ही टेम्परेचर रीच होगा तो ये ग्रीन सिग्नल दे देगा कि आपका टेम्परेचर जो है वो रीच हो चुका है। जो भी आपने टेम्परेचर, जैसे हमें पता है बॉइलिंग हमें कितने पे डिग्री पे रखना है, 70, 80, 90, तो जो भी हमें डिग्री पे रखना है उस हिसाब से हम अपने फूड के हिसाब से रख सकते हैं। अब फ्रंट में आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एसीपी शीट लगी हुई है। ये बेसिकली इंटीरियर के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जैसे भी आपका इंटीरियर है किचन का, रेस्टोरेंट का, तो उस हिसाब से अपनी शीट आप लगवा सकते हैं। जैसे अगर आपका वाइट नीचे फर्श लगा हुआ है तो वाइट के हिसाब से ये ब्राउन कलर काफ़ी अच्छा लगेगा, और वुडन आपका जैसे टेक्सचर है तो ये वुडन के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली एक अपनी चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाने का तरीका है। कोई भी चीज़ है जिसको भी हम सर्व कर रहे हैं, बंदा पहले आंखों से खाता है, पहले देखता है वहाँ पे फूड कैसा है, कितना हाइजीन मेंटेन करा हो किस हिसाब से। तो पहला बंदा आंखों से खाता है फिर हमारा खाना खाता है। तो हमें अच्छी तरीके से हाइजीनली और अच्छी तरीके से फूड को प्रेजेंट करना है ताकि हमारा जो फूड है वो कस्टमर को पहले अट्रैक्ट करे। बाद में तो फूड की क्वालिटी तो है ही, अगर फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भी दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखने पड़ेगा फूड की क्वालिटी। हम आपको चीज़ अपनी तरफ से बेस्ट बना के दे सकते हैं ताकि आप जो कस्टमर को सर्व करें वहाँ से आपको कभी दिक्कत ना आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं ये बैनमेरी वगैरह खरीदना या अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, पैन ज़्यादा लेना चाहते हैं, कम लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 9 लीटर का एक पैन लगा तो आपको चाहिए 12 लीटर का या 15 लीटर का, या आपका कुछ कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो फूड बिजनेस से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है जैसे आपको बताया था मैंने पहले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉलिंग की टाइमिंग 11 to 6 रहने वाली है, मंडे टू सैटरडे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।